पीएम किशिदा पर हमले का आरोपी भी पकड़ा गया है। खबर सामने आ रही है जापानी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति ने हमला किया उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने स्मोक बम से यह अटैक किया था, उसे पकड़ लिया है पुलिस ने। धमाके के साथ ही वहां पर सफेद धुआं उठता नजर आया था, जापानी मीडिया के हवाले से यह बात सामने आ रही है। और जिस शख्स ने यह बम फेंका, जो हमला जिसने किया, जिसने यह स्थिति पैदा की, उसको पकड़ा गया। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए टोक्यो से। धर्मेंद्र जी, जो बात मनीष कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में जापान की सोसाइटी बदली है और यह भी देखा गया कि सिक्योरिटी अपरेटस भी चेंज हुआ है, बावजूद इसके इस तरह का अटैक होता है, इसका सीधा सीधा संकेत या अर्थ क्या है? देखिए, ये तो है, अब क्या बताएं, ऐसा जापान में पहले आबे प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ, अभी ये इनके साथ हो रहा है। और जापानी लोगों में जो है ना स्केयर का जो है ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि जापान में ऐसे क्यों हो रहा है और जापानियों की मेंटेलिटी क्यों चेंज हो रही है ऐसे, और इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जो है ना इस बार फिर से वो पाइप बम में उन पर फेंकने की कोशिश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही गिर गया और उसमें से धुआं धुआं सा आने लगा, तो कुछ ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। बट जापानियों के अंदर जो है ना ऐसा डर एक पैदा हो रहा है जिसके वजह से जापानी लोग जो है ना अब सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियन स्पीच देने के लिए आता है तो उस केस में हम लोग उनकी स्पीच सुनने के लिए जाएं या ना जाएं। अभी आज कुछ थोड़ी देर पहले ही मेरी कुछ जापानी लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि अब नेक्स्ट से हम जाएं या ना जाएं, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जापान भी जो है ना अब अनसेफ फील हो रहा है और हम जापानी लोगों में भी जो है ना एक अनसेफ की फीलिंग क्रिएट हो रही है। ये बहुत बड़ा सीरियस लाइक यू नो द सीरियस जापानी लोगों के बीच में जो है ना ऐसा। धर्मेंद्र जी, ये सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो इस वक्त जापान से सामने आ रहा है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर हमले के बारे में कहूँ तो ये क्या आशंकाएं हैं इस वक्त, किस तरह का ये अटैक था? आरोपी गिरफ्तार जरूर हो गया है, इससे पहले शिंजो आबे के समय भी गिरफ्तारी हो गई थी आरोपी की, लेकिन ये किस तरह का अटैक था? देखिए, ऐसा है कि अभी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिला नहीं है, बट ये कि जल्दी ही इन्फॉर्मेशन हम गेट करेंगे। और एक्चुअली ऐसा है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन हुआ है जस्ट लास्ट वीक ही, उसने फिर से जैसे कि जो LDP की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उनकी पार्टी की अच्छी खासी जीत हुई है। इसके इलेक्शन से कुछ कनेक्टिंग दिख रहा है, या फिर अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जैसे रूसिया और यूक्रेन के वार से जो है ना कुछ रूसिया के मिसाइल्स और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स भी जापान पे। क्या आपको ये लगता है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर्स पे बैक टू बैक इस तरह के हमले हुए हैं, हो रहे हैं, और ये जानलेवा हमले हैं, आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है जापान का उसको कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, उस सिस्टम या उस प्रोसेस या उस पूरे सेटअप को कुछ बाहरी ताकतें या इंटरनल फोर्सेस जो भी हो उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है? जी, ऐसा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि कुछ जापानी लोग बोल रहे हैं कि जापानी लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जापान में, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ का पॉपुलेशन गोइंग डाउन हो रहा है, इसलिए बाहर के लोगों का जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रहा है जापान में, तो इसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। तो जापानी लोगों को बोलना है, जब कुछ देर पहले मेरी बात हुई जापानियों से तो उन्होंने बोला कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसके वजह से ऐसे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि हाँ, बिल्कुल अभी शुरुआती जानकारी है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस धमाके के पीछे, इस अटैक के पीछे धर्मेंद्र जी किसका हाथ था, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। मनीष के पास मैं आना चाहूंगी। मनीष, जैसे कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं वहां से टोक्यो से कि राजनीतिक रंजिश हो सकती है, ये इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि किसी बाहरी का हाथ हो राजनीतिक रंजिश को अंजाम पहुंचाने के लिए, ऐसा हो सकता है? देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि फुमियो किशिदा चीन के खिलाफ बहुत मुकर रहे हैं, वो लगातार अमेरिका और
एशिया प्रशांत में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी देशों से ये अपील करते रहे हैं कि सभी एक साथ आए ताकि चीन की चुनौती का सामना कर सके। वैसी स्थिति में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हमलावर का कहीं कोई चीन का कनेक्शन निकले, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फुमियो किशिदा और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड भी काफी अग्रेसिव रहा है। वो शिंजो अबे की उस पॉलिसी को बहुत तेजी से लेकर गए। मुझे याद है दो हफ्ते पहले जब वो भारत आए थे, उनकी स्पीच जब हो रही थी मैं खुद वहां पर मौजूद था, और उनकी स्पीच में मुझे लगा कि एक समय में जापान के प्रधानमंत्री की स्पीच में आपको शांति की समृद्धि की बातें बहुत होती थी, लेकिन उनकी स्पीच में सुरक्षा की बातें, सेना की बातें, सिक्योरिटी की बातें ज्यादा हो रही थी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जापान का समाज और जापान का राजनीतिक नेतृत्व दोनों बहुत तेजी से बदल रहा है। उसके बाद फुमियो किशिदा अचानक यूक्रेन पहुंचते हैं। तो धर्मेंद्र जी जो बात मनीष कह रहे हैं क्या आपने भी ये महसूस किया है सोसाइटी में उस पर्सपेक्टिव में कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? और ये क्या आप हमें बता पाएंगे कि जापानीज सोसाइटी के अंदर कोई रिजेंटमेंट या किसी तरीके का असंतोष या कुछ नज़र आ रहा है क्या, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज हों, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी रही हों, कुछ ऐसा कोई ग्रुप या कोई इस तरह के प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा जो शायद इस एक्सट्रीम पर पहुँच जाए, इस एक्सट्रीमिज्म पर आ जाए? ऐसा तो नहीं है अभी, क्योंकि लोकल लोगों में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उन्होंने वो लाए हैं उसके रिगार्डिंग लोगों में कुछ आक्रोश हो या गुस्से में है, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि वन वीक पहले यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन हुआ था, उसमें अच्छे उनका नंबर आया हुआ है जो LDP के जो लोग हैं, तो आई थिंक लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं।